हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार। और आज हम लोग जो है बिहार स्पेशल जो प्रधान शिक्षक एग्जाम में पूछने वाला है बिहार स्पेशल से, ठीक है, बिहार के स्पेशल, ठीक है, उसका कला और संस्कृति आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल जो है उस पर एक प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बना होगा प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से। उसमें करेंट अफेयर का हमने डिस्कशन करवाया है, सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन करवाया है, ठीक है, और DLED जो 75 नंबर का सिलेबस है, ठीक है, 75 मार्क्स का, इसका डिस्कशन करवाया है। ये सब नहीं देखे हुईगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, आपके एग्जामिनेशन में बहुत सहायता करेगा, ठीक है। हम लोग प्रधान शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देंगे, और हम लोगों का टारगेट है कि 125 प्लस मार्क्स जो है, इतनी तैयारी कर ले कि 125 प्लस मार्क्स लाया जा सके, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, आपको अनवरत हमेशा रोज जो है कम से कम 2 वीडियो देखना पड़ेगा, मतलब 2 टॉपिक डिस्कशन करना पड़ेगा। एक सेट प्रैक्टिस कीजिए और एक जो है जो भी टॉपिक हम डालते हैं उसको देखिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आसानी से आप वीडियो देख पाइएगा। ओके, चलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कला और संस्कृति बिहार के परिप्रेक्ष्य, ठीक है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सामा चकेवा मनाते हैं ना हम लोग छठ के समय में, छठ होता है उस समय, तो यह किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह जो त्यौहार है सामा चकेवा, यह मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। ओके, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है, उसमें सीतामढ़ी हो गया, ये सब में हम लोग सामा चकेवा मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पीढ़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? ये सब संस्कृति में आता है, ठीक है, ये सब क्या है, सामा चकेवा हमारी संस्कृति है, ठीक है, या ये बिहार में पीढ़िया पर्व, पीढ़िया व्रत होता है, ठीक है, ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, आपको क्वेश्चन देखिए आगे हम कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, बिहार में पीढ़िया व्रत, याद रखिएगा, पीढ़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो यह प्रचलित है आपको दोस्तों भोजपुरी क्षेत्रों में, जैसे आरा हो गया, बलिया हो गया, सासाराम, ये सब क्षेत्रों में जो है पीढ़िया व्रत ज़्यादा फेमस है। ओके, बिहार में किस जिला में बिहुला त्यौहार, ये बिहुला नामक त्यौहार जो है विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? बिहार में ही है, ठीक है। सामा चकेवा जो है मिथिला क्षेत्र में, पीढ़िया पर्व जो भोजपुरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसमें, और ये बिहुला पर्व किस में मनाया जाता है? तो बिहुला पर्व भागलपुर के क्षेत्रों में आसपास मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी, लेकिन मेन जो होता है, मेन कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में मनाया जाता है। ओके, इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। ओके, कि किसको? बिहुला पर्व को, बिहुला त्यौहार को, ठीक है, विषहरी पूजा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कोजगरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है? ओके, तो कोजगरा व्रत जो है वह मिथिलांचल में जो है मनाया जाता है, मिथिला के क्षेत्रों में मनाया जाता है, जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, ये सब जो है मिथिला क्षेत्र में, मिथिलांचल में आता है। ओके, इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कोजागरा होता है, ठीक है, यह मनाया जाता है, शादीशुदा महिला ज़्यादा मनाती है इसको, ठीक है। चलिए, बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है, यह जो ध्रुपद गान होता है यह महत्वपूर्ण केंद्र, मतलब किस क्षेत्र में जो है ध्रुपद गान मनाया जाता है, ठीक है, तो अमता ध्रुपद गान, तो दरभंगा में अमता मनाया जाता है, बक्सर में डुमराव, ठीक है, पश्चिम, सॉरी, बेतिया, पश्चिम बंगाल, और उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, इस सभी में मनाया जाता है, ठीक है, अमता हो गया दरभंगा में, डुमराव हो गया बक्सर में, बेतिया हो गया पश्चिम चंपारण में, ये सारे जगह पे जो है ध्रुपद गान महत्वपूर्ण इसका केंद्र है, ठीक है। बिहार में मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत है, तो ये मुख्य स्रोत है राग तरंगिणी, आंसर क्या होगा? B नंबर। ओके, मिथिला के संगीत परंपरा के प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत कौन है? रास तरंगिणी, ठीक है, आंसर क्या होगा? B नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में ठूठ
ठुमरी का मुख्य केंद्र है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है गया है। ओके, ठुमरी जो है वह गया में है। ठीक है, बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे, तो लेकर गए थे खुरचन को। आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, पटना कलम, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, पटना कलम संबंधित है। ओके, तो पटना जो कलम संबंधित है वह है आपको चित्रकला से। आंसर क्या होगा, बी नंबर। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे, तो पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवक राम। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, सेवक राम का काल 1770 से 1830 तक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है, तो पटना कलम से संबंधित चित्रकार है आपको हुलास लाल भी है, जयराम दास भी है और शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद भी है। आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, मतलब ए बी सी तीनों आंसर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, तो पटना कलम चित्रकला शैली जो है वह परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। पटना कलम चित्रकला शैली किससे संबंधित है, परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। ओके, पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। ओके, ठीक है, किस पर, कागज़ पर ज़्यादा बनाया गया है और कहीं कहीं हाथी दांत पे बनाया गया है पटना कलम का चित्र। ठीक है, ये परवर्ती मुगल काल से चला आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है। मधुबनी कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, मिथिला पेंटिंग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। चलिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। ओके, तो यह लोक कला है, सही बात है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, सही बात है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर क्या होगा, डी उपयुक्त सभी, यह तीनों आंसर है जिसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है, तो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है आपको कौशल्या देवी है, सिया देवी है और शशिकला देवी। आंसर क्या होगा, डी नंबर, टोटल आंसर। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो यह मिले हैं आपको राजगीर से भी मिले हैं और वैशाली से भी मिले हैं। आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। आंसर क्या होगा, सी नंबर। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी, आम्रपाली, जो किसकी महबूबा थी, प्रेमिका थी अजातशत्रु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है, तो छठ है। छठ बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस पर्व है। ओके, बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है, इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा होती है। छठ के बारे में बिहार में कौन नहीं जानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो मधुश्रावणी पर्व जो है विशेष रूप से मिथिलांचल के क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये मिथिलांचल के क्षेत्रों में होता है। आंसर क्या होगा, ए। यह शादी विवाह के संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। ओके, महीना पूछेगा तो आषाढ़ आपको बताइएगा। ठीक है, ये हिंदी कैलेंडर का महीना है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जैन धर्मावलंबी से संबंधित है, मतलब जैन धर्म के लोगों से यह संबंधित है। ओके, कौन, तो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। ठीक है, यह वैशाली का मेला है। ओके, आंसर क्या होगा, जैन धर्मावलंबी से संबंधित है। यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। ओके, सोनपुर में यह मेला हाजीपुर से है ना 5 किलोमीटर के लगभग है सोनपुर। वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर मेला लगता है, या आपको ठंडे के महीने में मेला लगता है, ठीक है, समझिए ना, नवंबर दिसंबर के करीब यह लगता है, नवंबर के करीब, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ओके, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली में प्रभावित है? तो यह है हॉलैंड डच शैली में प्रभावित है, ठीक है। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज का भवन हॉलैंड शैली डच शैली में बनाया गया था, ठीक है। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है गॉथिक शैली का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, ये पादरी की हवेली और ये जो बांकीपुर का चर्च है यह किस शैली में बनाया गया है? तो गॉथिक शैली में यह बिल्डिंग बनाया गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है, मतलब किस शैली में बना हुआ है? ओके, तो यह बना हुआ है आपको यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली में बना हुआ। आंसर क्या होगा? सी नंबर। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित है, किस शैली से? हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ठीक है, ओके, का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था डुमराव, बक्सर में हुआ था, ठीक है। डुमराव एक जगह है जो बक्सर में पड़ता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। बिस्मिल्ला खां बजते रहता है जो है शहनाई शादी विवाह में, तो वो बिस्मिल्ला खां का उसमें बहुत बड़ा योगदान है शहनाई के, ठीक है, शुरू करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग विद्या है। मधुबनी पेंटिंग जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध पेंटिंग है। ओके, अब देखिएगा पटना में जाइएगा तो पूरे दीवार पर, पूरे पटना में पूरे दीवार पर जो है मधुबनी पेंटिंग बना होगा, ठीक है। अभी मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो यह थी अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी, ठीक है। अंग राज कर्ण, यहाँ के कर्ण थे, ठीक है। तो मंजूषा चित्र शैली कहाँ था? तो अंग में। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो यह नाट्य नृत्य है बिहार का। ओके, कौन? विदेशिया, ठीक है, ये लोकप्रिय नाटक नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह गाया जाता है विवाह के अवसर पर। लिखवे किया हुआ है लगनी राग है, राग मतलब गीत, लगनी मतलब जो लगन चढ़ता है, लगन मतलब विवाह के अवसर पर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो यह विदेशिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु लिखी है? जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु लिखी है। मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु लिखी है, लेकिन विदेशिया जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु नहीं लिखी, ठीक है, नहीं गाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। ओके, जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपको बिहार में। ओके, जट जटिन का नाट्य नृत्य होता है, देखिए यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है, ज़्यादातर आपको मिथिला में मिलेगा। यह विद्यापति जो है ये भी मैथिल कोकिल मतलब मैथिली ज़्यादा गाते थे, ठीक है। यह मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौ नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? ठीक है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पाली स्नातकोत्तर क्या है, स्नातकोत्तर शोध संस्थान के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, जैसे कोई भी दिक्कत हो, और इसका पीडीएफ, इसका नहीं, जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाया है सब का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। ओके, कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जा रहा है उसका। आप बस, मेरा बस एक ही टारगेट है कि आप अच्छे से अच्छे अंक ला के पास करें,
और कुछ नहीं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। और टेलीग्राम जुड़ने के लिए जो है ना, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उस पर जाके आप क्लिक कीजिएगा और आपको जो है टोटल चीज़ जो है आपको मतलब मिल जाएगा उसमें टेलीग्राम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।